हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी यहां पे अच्छा हूं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कस्टम लॉ। कस्टम लॉ, लॉ का मतलब है ये अपने आप में पूरा कंप्लीट लॉ है। इसके अंदर एक्ट भी है, रूल्स भी है, रेगुलेशंस भी है, नोटिफिकेशंस भी है, सर्कुलर भी है और कोर्ट की जजमेंट्स भी है, राइट। और सभी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें एक इस लॉ में हम एक्चुअली फाइनली क्या सीखते हैं। जैसे इनकम टैक्स में हम फाइनली ये सीखते हैं कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है, इसी तरह कस्टम एक्ट में हम फाइनली ये सीखते हैं कि हमें गवर्नमेंट को कस्टम ड्यूटी कितनी देनी है। तो कस्टम ड्यूटी कितनी देनी है, इसके लिए रूल्स भी काम आएंगे, रेगुलेशंस भी काम आएंगे, इसके लिए सर्कुलर, नोटिफिकेशन और जजमेंट भी काम आएंगे। एक टैक्स को पे करने के लिए वैल्यू और रेट की जनरली जरूरत होती है। जैसे इनकम टैक्स में टोटल इनकम और उसके जो रेट्स हैं उनकी जरूरत होती है, इसी तरह कस्टम लॉ में भी हम वैल्यूएशन में वैल्यू निकालना भी सीखेंगे और कस्टम के जो हम गुड्स हैं उनके ऊपर जो रेट लगेंगे वो रेट कितने होंगे, वो कहां लिखे हुए हैं, ये सब कुछ भी हम सीखेंगे। तो कस्टम एक्ट अपने आप में पूरा एक्ट है। कस्टम एक्ट 1962, सबसे पहले तो नाम याद कर लो, कस्टम एक्ट 1962। सबसे पहले बात आप लिखो, कस्टम एक्ट 1962 इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सबसे पहले लिखो कस्टम एक्ट इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे कि आप जानते हैं दो तरह के टैक्स होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। तो कस्टम टैक्स जो है, कस्टम एक्ट जो है वो पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है, पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। एक और बात, यहां पर कस्टम ड्यूटी के नाम से फेमस है। जैसे हम जनरली पढ़ते हैं जितने भी टैक्सेस हैं आप लोग देखते हो उसमें टैक्स वर्ड होता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, लेकिन कस्टम में ना कस्टम टैक्स वर्ड नहीं होगा, कस्टम ड्यूटी होगी। हालांकि दोनों का सेम मतलब है, ड्यूटी का भी अपने आप में मतलब टैक्स ही है, हाँ, लेकिन यहां पर जो इसका नाम है वो कस्टम ड्यूटी है, राइट। तो ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये कस्टम ड्यूटी है। ओके, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कस्टम लॉ क्या है। तो पहले मैं डिस्कस करूंगा कस्टम है क्या, कस्टम का मीनिंग क्या है, इज इट ट्रेंड और समथिंग रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। क्या लगता है आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? कस्टम का मतलब क्या होता है? कस्टम की हिंदी होती है रीति रिवाज। आज हम कोई रीति रिवाज पढ़ने वाले हैं या समथिंग रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ने वाले हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं, इज इट ट्रेंड, क्या ये कस्टम है, क्या ये एक रिवाज है, या इट इज समथिंग रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। चलिए मैं बताता हूं, वैसे कस्टम में हम पढ़ेंगे समथिंग रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, नो डाउट हम लोग स्टडी करेंगे समथिंग रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, राइट। जो कस्टम ड्यूटी है वो इंपोर्ट पर लगती है और एक्सपोर्ट पर लगती है। इंपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं और एक्सपोर्ट पर लगने वाली ड्यूटी को हम एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। हालांकि इंपोर्ट ड्यूटी जनरली हर गुड्स पे लगती है, मोस्ट ऑफ द गुड्स पे लगती है, जबकि एक्सपोर्ट में मोस्ट ऑफ द गुड्स पर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती ही नहीं है, जनरली एक्सपोर्ट ड्यूटी निल ही होती है। लेकिन तब भी कुछ गुड्स अभी भी ऐसी हैं जिनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, इसलिए हम अभी ये तो नहीं कहेंगे कि कस्टम ड्यूटी का मतलब सिर्फ इंपोर्ट ड्यूटी है, क्योंकि एक्सपोर्ट पर तो जनरली लगती नहीं है, क्योंकि कुछ गुड्स पर अभी भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, इसलिए हम कहेंगे कस्टम ड्यूटी का मतलब इंपोर्ट ड्यूटी भी है और एक्सपोर्ट ड्यूटी भी है। इंपोर्ट ड्यूटी और एक्सपोर्ट ड्यूटी को जब हम कंबाइंड करके पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं कस्टम ड्यूटी। लेकिन कस्टम ड्यूटी का नाम कस्टम ड्यूटी ही क्यों, कस्टम ड्यूटी का नाम कस्टम ड्यूटी ही क्यों, इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं, इस एक्ट का नाम इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी क्यों नहीं, कस्टम ड्यूटी ही मतलब कस्टम एक्ट ही क्यों? सर, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, कस्टम का मतलब होता है रीति रिवाज, ट्रेंड, ट्रेंड मतलब पुराने समय से चला आ रहा है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सर कस्टम एक्ट कब से शुरू हुआ, अगर मैं बोलूं कस्टम एक्ट 1962 से शुरू हुआ तो यह अपने आप में गलत है। कस्टम एक्ट इससे पहले भी था, कस्टम एक्ट उससे पहले भी था लेकिन उसके नाम कुछ और थे। और कस्टम ड्यूटी मतलब इस तरह का टैक्स पे करने का जो चलन था, जो प्रचलन था, वो तो इमेमोरेबल टाइम से था,
मतलब ये कब से लग रही है ड्यूटी, ये मतलब जो इंपोर्ट करने पर या बाहर ले जाने पर जो टैक्स देना पड़ता है, ये प्रथा कब से चल रही है, ये तो मैं आपको बता भी नहीं बताऊंगा एग्जैक्टली, बिकॉज ये तो राजा महाराजाओं के जमाने से चल रही है। राजा महाराजाओं के जमाने से ये रीति रिवाज था। मैं बताऊं वो क्या था, पहले राजा महाराजाओं का जमाना था, आपको पता ही है, आप सीरियल देखते हो टीवी में, झांसी की रानी सीरियल आया, उस जमाने में राजा महाराजाओं का जमाना था, देख सकते हो आप। उस टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऐसी कोई बातें तो होती नहीं थी, ब्रिटिश का भी राज था, राजा महाराजाओं का भी जमाना था। तो सर राजा महाराजाओं का जमाना था, एक राजा की एक टेरिटरी होती थी, दूसरे राजा की दूसरी टेरिटरी। क्या होता था जब दूसरी टेरिटरी यानी दूसरी राजा के लोग, दूसरे राजा के जो लोग थे, जब वो हमारी टेरिटरी में आते थे, यानी कि इधर वाली टेरिटरी में आया करते थे व्यापार करने के लिए, तो वो हमारे राजा के लिए ना कुछ तोहफे लाया करते थे कि देखिए जी आपके टेरिटरी में हम आए हैं, आपके एरिया में हम आए हैं व्यापार करने के लिए, तो इसके लिए हम आपके लिए कुछ तोहफे लाए हैं, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात किसी भी तरह के कोई तोहफे लाया करते थे, तो राजा को बड़ा अच्छा लगता था। और जब हम उसी राजा के यहां से कोई बाहर जाया करता था व्यापार करने के लिए, तो वो भी राजा को तोहफा देके जाया करता था कि जी मैं कुछ कमाने जा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको कुछ गिफ्ट दूंगा कि मैं कमा पाऊं, मैं सक्सेसफुल हो जाऊं, तो वो कुछ गिफ्ट वगैरह राजा को देके जाया करता था। मतलब जब कोई दूसरे टेरिटरी से आया करता था तो वो भी गिफ्ट देके जाया करता था, और जब कोई यहां से जाया करता था वो भी गिफ्ट देके जाया करता था। धीरे धीरे राजा को ये गिफ्ट लेने की आदत पड़ गई, भाई ये समझो कि जो भी आएगा वो गिफ्ट देके ही जाएगा और जो भी जाएगा वो भी गिफ्ट देके जाएगा। धीरे धीरे उन्होंने इसको शुल्क का नाम दिया, हिंदी में प्राचीन समय में इसे शुल्क बोला गया कि आपको एक शुल्क देना पड़ेगा। शुल्क का मतलब एक तरह का कर, यानी कि एक तरह का टैक्स देना पड़ेगा। धीरे धीरे ये शुल्क हो गया, फिक्स हो गया कि जो भी आएगा वो शुल्क देके जाएगा, जो भी जाएगा वो भी शुल्क देके जाएगा। फिर एक जमाना आया जब राजा महाराजाओं का जमाना खत्म हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ये सब आ गया। जब ये सब आ गया तो उन्होंने वो प्रथा कायम रखी, उन्होंने बोला जब भी कोई दूसरे देश से सामान खरीदेगा तो उसी तरह हम भी उसके ऊपर कुछ तोहफे की तोहफा तो नहीं, कुछ शुल्क नहीं, कुछ टैक्स लेंगे, जिसका नाम रखा उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी लेंगे। और जब कोई हमारे यहां से लेके जाएगा तो भी हम टैक्स लेंगे, जिसका नाम लेंगे इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन यह प्रथा एग्जैक्टली कब से शुरू हुई इसका कोई आइडिया नहीं है, यह प्रथा एग्जैक्टली कब से शुरू हुई इसका कोई आइडिया नहीं है। यह तो बहुत पुराना चलन है, जो मतलब बहुत पुराना है, जो चले आ रहा है, चले आ रहा है, चले आ रहा है। हां जी, तो आपको आई होप इसका नाम कस्टम क्यों है क्लियर हो गया होगा। तो सर कस्टम एक्ट का मतलब है इज इट ट्रेंड, यस ये ट्रेंड था एंड नाउ इट इज एब्सोल्युटली रिलेटिंग टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो आज हम स्टडी करेंगे समथिंग रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी कि जब इंपोर्ट करते हैं तो कितनी ड्यूटी लगती है, एक्सपोर्ट करते हैं तो कितनी ड्यूटी लगती है। मैं फिर बोलूंगा ड्यूटी का मतलब हमारा टैक्स ही है। हां जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 7th शेड्यूल, ध्यान से पढ़ना सर, यूनियन लिस्ट के अंदर एंट्री नंबर 83 में लिखा गया ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, यानी कि पार्लियामेंट लॉ बनाएगी रिलेटिंग टू कस्टम, जो कस्टम ड्यूटी है उसके रिलेटिंग जो लॉ है वो पार्लियामेंट बनाएगी। आपको मालूम है जब भी कोई लॉ यूनियन लिस्ट में लिखा होता है, हालांकि हमने बात जीएसटी में भी पढ़ी थी और इनकम टैक्स में भी पढ़ी थी, जब भी कोई लॉ पार्लियामेंट बना, जब भी कोई लॉ मैटर यूनियन लिस्ट में लिखा होता है तो उसके ऊपर जो लॉ बनाने की एक्सक्लूसिव पावर है वो पार्लियामेंट के ऊपर होती है, पार्लियामेंट के पास होती है। और इसके ऊपर जो टैक्सेस है वो जो पावर डेलीगेट की जाएगी आगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जाएगी, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि रूलिंग पावर जो होगा, रूलिंग गवर्नमेंट होगी, वो इसके ऊपर टैक्सेस का कलेक्शन करेगी या जो भी होगा लॉ बनाएगी पार्लियामेंट के थ्रू। हां जी, तो यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 83, तो आप याद कर लेना सर, एंट्री नंबर 83 में लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज, क्लियर। स्टेट लिस्ट का यहां पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, कॉन्करेंट लिस्ट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, सीधा सीधा यूनियन लिस्ट के पास एक्सक्लूसिव पावर है टू मेक लॉ ऑन द इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। हां जी, अगला प्रश्न आता है कि ये जो इंपोर्ट ड्यूटी है, अगर हम कोई इंपोर्ट करते हैं, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, मान लीजिए ये हमारा इंडिया है, यहां पे कुछ गुड्स इंपोर्ट हुई है, यूएसए से इंपोर्ट हुई है, यूएसए से इंपोर्ट हुई है, यहां पर गुड्स इंपोर्ट हुई है,
तो प्रश्न है कि कौन सी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, यूएस गवर्नमेंट चार्ज करेगी या इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करेगी। या ये मान लीजिए इंडिया से कोई गुड्स हमने एक्सपोर्ट करी है, इंडिया से अगर कोई गुड्स हमने एक्सपोर्ट करी है, मान लीजिए इंडिया से हमने यूके में एक्सपोर्ट करी है, तो कौन सी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी। ये क्वेश्चन अब है कि ये टैक्स जो है वो कौन सी गवर्नमेंट चार्ज करेगी, इंडियन गवर्नमेंट चार्ज करेगी या फॉरेन गवर्नमेंट चार्ज करेगी, दैट इज द क्वेश्चन। आंसर है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। हालांकि हमने जीएसटी में भी पढ़ा था देयर इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कस्टम में भी पूरे वर्ल्ड वाइड ये कंसेप्ट बड़ा फेमस है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स का मतलब है जिस कंट्री में फाइनली गुड्स का कंजम्पशन होगा, जिस कंट्री में गुड्स का फाइनली कंजम्पशन होगा, यानी कि जो गुड्स का फाइनल डेस्टिनेशन है वहां पर वो वाली गवर्नमेंट चार्ज करेगी। जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो हम इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, जब हम गुड्स को इंपोर्ट करते हैं तो इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, इंडिया में उसको यूज करते हैं, तो इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करेगी। लेकिन जब हम एक्सपोर्ट करते हैं यूके में तो फिर हम ड्यूटी चार्ज नहीं करते, यूके गवर्नमेंट चार्ज करेगी क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन वहां है। इसीलिए एक्सपोर्ट पर जनरली ड्यूटी निल होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट पर हम लोग चार्ज नहीं करते, डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट की वजह से यूके गवर्नमेंट चार्ज करेगी। लेकिन कुछ गुड्स ऐसी हैं जहां पर इंडियन गवर्नमेंट एक्सपोर्ट पर भी चार्ज करती है, लेकिन वो बड़ी फ्यू गुड्स है। मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर में कि वो कौन कौन सी गुड्स होती हैं। इज इट क्लियर? तो जनरली हां जी बताइए प्लीज, ये जो कौन सी गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी कस्टम ड्यूटी, जहां से सामान चला वो वाली या जहां सामान पहुंचा, बताइए प्लीज कौन सी गवर्नमेंट गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ड्यूटी चार्ज करेगी, जहां से सामान चला वो वाली या जहां पहुंचा। बिल्कुल सही जवाब, जहां गुड्स का फाइनल डेस्टिनेशन होगा ना वो गवर्नमेंट चार्ज करेगी, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। डेस्टिनेशन, इसको एक नाम और बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। सर सारी बातें ध्यान सुनते रहना, ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, धीरे धीरे बहुत सारे कंसेप्ट इसके अंदर इंट्रोड्यूस होंगे, फिर जो आगे वाली क्लासेस होंगी उसमें काम आएंगे। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल लूंगा, ये एग्जांपल बड़ी हेल्प करेगी हमारी। जैसे मान लीजिए ये हमारा इंडिया है और ये हमारा जो है वो कस्टम एरिया है जहां पर गुड्स आती हैं बाहर से। हमने फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करी, गुड्स यहां पे आ गई। अब इंडियन गवर्नमेंट कहती है जी आपने गुड्स मंगा ली है, लाओ इंपोर्ट ड्यूटी दो। हमने कहा जी देनी पड़ेगी। बोले कमाल कर रहे हो, गुड्स यूएसए से आई हैं तो नेचुरली बात है इंडिया के लिए आई है। बोले बिल्कुल जी, तो बोले आपको इंपोर्ट ड्यूटी तो देनी पड़ेगी। तो सर इसके ऊपर आपको ना इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी। लेटर ऑन हमने क्या किया, इस गुड्स को एज इट इज इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर दिया। मतलब हमने इस गुड्स को इंडिया में कंज्यूम किया ही नहीं। एक्चुअली में ये गुड्स हमने इंडिया में कंज्यूम करने के लिए मंगाई ही नहीं थी, हमने ये गुड्स को इंडिया में मंगवाया था, इंडिया में मंगवाने के बाद किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट करने के लिए हमने इसे एक्सपोर्ट कर दिया। एक्सपोर्ट ड्यूटी तो खैर मान लो जीरो है, इसके ऊपर ड्यूटी तो लगती नहीं है, लेकिन हाँ एक्सपोर्ट हो गया, हमने इसे इंडिया से बाहर भेज दिया, इसका मतलब इसका कंजम्पशन इंडिया में नहीं हुआ, इसका मतलब इस गुड्स का कंजम्पशन इंडिया में नहीं हुआ। हमने गवर्नमेंट को बोला कि देखो सर आपने कहा था वो कंट्री टैक्स लेगी जहां गुड्स का फाइनली कंजम्पशन होगा, तो इस गुड्स का तो फाइनली इंडिया में कंजम्पशन हुआ ही नहीं। गवर्नमेंट बोली हां इस गुड्स का तो फाइनली इंडिया में कंजम्पशन नहीं हुआ। तो हमने कहा जो इंपोर्ट ड्यूटी हमने आपको दी थी या जो आपने हमसे ली थी वो हमारी हमें रिफंड कर दो, बिकॉज जब इंडिया में कंज्यूम ही नहीं हुआ तो हम भला इसके ऊपर टैक्स क्यों दें। और सर मैं बता दूं आपको, ये इंपोर्ट ड्यूटी आपको रिफंड मिलेगी, आपको रिफंड मिलेगी सब्जेक्ट टू कि ये गुड्स आपने एक्सपोर्ट कर दी हो। इसलिए जब आपने एक्सपोर्ट किया होगा तो एक एक्सपोर्ट ऑर्डर पास हुआ होगा, वो एक्सपोर्ट ऑर्डर आप दिखा देना कि जो गुड्स थी वो सेम गुड्स आपने एक्सपोर्ट कर दी है, तो उसके बाद जो आपकी इंपोर्ट ड्यूटी है इसका अप्रोक्सीमेटली 90% रिफंड हो जाता है, 98% रिफंड हो जाता है, वो 2% जो है वो इंडियन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस या कन्वीनियंस चार्जेस के नाम का काट लेती है, तो 98% रिफंड होता है। और इसे कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक, इसे कहते हैं ड्यूटी ड्रॉबैक। और सर मैं बता दूं ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में,
ड्यूटी ड्रॉबैक अपने आप में एक पूरा चैप्टर है आपके सिलेबस में जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है, एक चैप्टर है पूरा, ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होता है। लेकिन क्या होता है सर ड्यूटी ड्रॉबैक? सर ड्यूटी ड्रॉबैक होता है इंपोर्ट ड्यूटी जो आपने एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन पे की थी, इंपोर्ट ड्यूटी जो आपने एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन पे की थी, जब आप उन्हीं गुड्स को एज इट इज फॉरेन कंट्री में, दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर देते हैं, इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं और उस एक्सपोर्ट ऑर्डर की कॉपी आप दिखा देते हैं, तो वो जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसका 98% आपको रिफंड मिल जाता है, उस इंपोर्ट ड्यूटी का 98% रिफंड मिल जाता है और उस रिफंड मिलने को बोलते हैं सर ड्यूटी ड्रॉबैक। उस 98% के रिफंड मिलने को बोलते हैं सर ड्यूटी ड्रॉबैक। सर प्लीज टेल मी आपको यहां तक कंसेप्ट क्लियर हुआ है नहीं हुआ? डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स इज क्लियर और नॉट क्लियर? आपको डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स इज क्लियर और नॉट क्लियर? आई होप आप लोगों को यहां तक क्लियर हो गया होगा। हमें आगे बढ़े फिर इसके अंदर। ओके सर आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर नेक्स्ट। ये मैं थोड़ा सा मैंने इसमें लिखा रखा वो दिखा देता हूं। कंसेप्ट ऑफ ओबीटी डीबीटी। ओबीटी तो सर ओरिजिन बेस्ड टैक्स और डीबीटी होता है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। मैंने आपको बताई दिया जो कंसेप्ट है वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में डीबीटी लगेगा, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, यानी कि जहां पर डेस्टिनेशन हुआ है गुड्स का फाइनली वो कंट्री चार्ज करेगी। सर अगर इंडिया से यूके गुड्स गई है यानी कि एक्सपोर्ट हुआ है, या यूके से इंडिया आई है इंपोर्ट हुआ है, जहां डेस्टिनेशन होगा वो टैक्स चार्ज करेगी। यानी कि इस केस में, ऊपर वाले केस में अगर मैं बोलूं तो यूके गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करेगी, और नीचे वाले केस में अगर मैं बोलूं क्योंकि इंपोर्ट हुआ है यूके से इंडिया में गुड्स आ रही है तो इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो टैक्स चार्ज करेगी। तो दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट, दिस इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट। हां जी आगे बढ़ते हैं सर। आगे ये है कि आज आप पढ़ रहे हो कस्टम एक्ट 1962, ध्यान सुनना सर, आज आप पढ़ रहे हो कस्टम एक्ट 1962। सर अर्लियर इसका नाम कुछ और था, अर्लियर इसका नाम कुछ और था, वो नाम क्या था मैं आपको बताता हूं। सर कस्टम एक्ट में हम क्या पढ़ते हैं? सर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पढ़ते हैं। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? दूसरे देश से गुड्स लेके आना, दूसरे देश से इंपोर्ट मतलब इंपोर्ट करना, फॉरेन कंट्री से जब गुड्स इंडिया में आती है तो उसको इंपोर्ट कहते हैं और उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। सर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, फॉरेन कंट्री से जब गुड्स इंडिया में आएंगी तो उनको इंडिया में लाने के क्या क्या रूट हो सकते हैं? हालांकि मैं इसको दोबारा भी डिटेल में डिस्कस करूंगा, लेकिन फिर भी एक बार बताओ, इंडिया में फॉरेन कंट्री से जब गुड्स आएंगी तो उनको इंडिया में लेके आने के क्या क्या रूट हो सकते हैं? सर पानी के रास्ते से आ सकती है, सही बात है, एयर के रास्ते से आ सकती है, जहाज के रास्ते से आ सकती है, और लैंड के रास्ते से भी आ सकती है, मतलब जल थल वायु। लैंड रूट जो है वो तो मुझे लगता है बहुत ही, जो साथ में लगते देश है पाकिस्तान हो गया या कोई और जो लगते देश है उन्हीं में आएगा ज्यादातर तो चीजें। आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा फेमस रूट कौन सा होगा? सबसे ज्यादा फेमस रूट कौन सा? चलो तीन चीजें हैं, लैंड के रास्ते से आ सकती है, पानी के रास्ते से आ सकती है, वायु यानी आकाश के रास्ते से आ सकती है, लेकिन आपको क्या लगता है सबसे ज्यादा कन्वीनियंट रूट कौन सा होगा? सर आंसर है जल, यानी कि पानी के रास्ते, यानी कि समुद्र के रास्ते। क्यों जल के रास्ते यानी कि समुद्र के रास्ते से ज्यादातर इंपोर्ट क्यों होता है? सर समुद्र में शिप के थ्रू आएगी। सर क्या आप जानते हैं शिप कितना बड़ा होता है? एक शिप कितना बड़ा होता है सर, आपको इसका अंदाजा भी है? एक शिप कितना बड़ा होता है इसका अंदाजा आपको? सर सर आपने गाड़ी देखी होगी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी के साथ साथ आपने एक मालगाड़ी भी देखी होगी। रेलगाड़ी होती है एक तो जिसमें पैसेंजर ट्रेवल करते हैं, एक मालगाड़ी होती है, और वो मालगाड़ी तो पूछो मत कितनी बड़ी होती है। मुझे अच्छे से याद है, अक्सर ऐसा होता है, शायद आपके साथ भी कभी हुआ हो, जब हम अपनी कहीं बाहर से अपने घर आ रहे होते हैं सिटी में तो आउटर पे हमारी गाड़ी रुक जाती है क्योंकि सामने से मालगाड़ी आ रही होती है, फिर बड़ा मुश्किल लगता है वो वेट करना कि वो मालगाड़ी निकले तो हमारी गाड़ी घर पहुंचे। और वो मालगाड़ी जब आती है ना सर, वो मालगाड़ी खत्म होने को नहीं होती, लगता है चले जा रही है चले जाने, अरे भगवान कितनी लंबी मालगाड़ी है। हाँ सर बड़ी लंबी होती है मालगाड़ी, उसमें बहुत सारा सामान आता है। सर शिप इतना बड़ा होता है कि एक शिप के अंदर अप्रोक्सीमेटली 40-40 मालगाड़ियां आ जाती है, 40 मालगाड़ी आ जाती है सर, इतना बड़ा शिप होता है, उससे भी ज्यादा बड़ा होता है।
तो सर सोचो कितना सारा सामान एक ही बार में आ सकता है, कितना सारा सामान। तो सर जब इतना सारा सामान एक बार में आएगा तो नेचुरली बात है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी, बिकॉज एक ही शिप में इतना सारा सामान आएगा तो शिप की जो जितना भी खर्चा होगा वो सारे सामान के ऊपर लगेगा, तो पर सामान के ऊपर कॉस्ट कम आएगी। यही सामान अगर आप लैंड या एयर से मंगाते तो शायद इतना सारा सामान आप नहीं मंगा पाते। एक एयर एक फ्लाइट में एक एक प्लेन में कितना सामान आ जाएगा, एक प्लेन शिप जितना बड़ा तो नहीं होता, तो लेकिन उसका वो कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए मोस्ट कन्वीनियंट रूट जो है ना वो शिप होता है सर। ये लॉजिक है कि शिप इतना कन्वीनियंट रूट क्यों होता है। सर पहले कस्टम एक्ट में ना लैंड कस्टम एक्ट अलग था, मतलब लैंड के थ्रू आएगा तो उसका अलग एक्ट था, इंडियन एयरक्राफ्ट के थ्रू आएगा तो अलग एक्ट था, सी के थ्रू आएगा तो अलग एक्ट था, लेकिन अब ना उन्होंने सबको कंबाइन कर दिया और नाम रख दिया कस्टम एक्ट 1962। पहले 1922, 1924, 1934, 1878 जो भी था छोड़ो, अब तो आ गया कस्टम एक्ट 1962। अब तो आ गया कस्टम एक्ट 1962। सर ये है इंडियन टैरिफ एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट। मैं बताऊंगा सर ये क्या चीज होती है इंडियन टैरिफ एक्ट, इसमें थोड़े हां जी इंडियन टैरिफ एक्ट। सर देखो ये ना कस्टम एक्ट है, इसमें क्या लिखा होता है प्रोविजंस, इसमें लिखा होता है प्रोविजंस, ठीक है सर। और ये कस्टम टैरिफ एक्ट है, टैरिफ नाम सुना आपने, टैरिफ, टैरिफ का नाम सुना आपने कभी? अरे होटल में जाओ ना टैरिफ कितना है, होटल का टैरिफ कितना है, यही तो बोलते हैं। जो ये आप आइडिया का प्लान खरीदते हो 168 का, मतलब जो भी सिम कार्ड के प्लान होते हैं इन सबको टैरिफ तो बोलते हैं। टैरिफ का मतलब रेट, टैरिफ का मतलब रेट, मतलब कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए जो रेट लगाया जाएगा गुड्स का वो कस्टम टैरिफ एक्ट में लिखा है। अरे सर एक ही ड्यूटी को निकालने के लिए दो दो एक्ट का यूज किया जाएगा? बिल्कुल, प्रोविजन लिखी हुई है कस्टम एक्ट में, ये इंपोर्ट है या नहीं है, इसकी कितनी वैल्यू आएगी, कितना अमाउंट आ गया, ये सब कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है। लेकिन कितने परसेंट ड्यूटी लगेगी, कितने परसेंट रेट लगेगा, 10% लगेगा, 12% लगेगा, 20% लगेगा, कितने परसेंट रेट लगेगा, ये बात लिखा हुआ है कस्टम टैरिफ एक्ट में, ये बात लिखी हुई है कस्टम टैरिफ एक्ट में। ये बात सर लिखी हुई है कस्टम टैरिफ एक्ट में। तो सर एक ही एक्ट को करने के लिए दो दो बार पढ़ना पड़ेगा, मतलब कस्टम टैरिफ एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, कस्टम एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा। आप तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आपने इससे पहले ऐसे कभी किया नहीं। सर कब किया? अरे इनकम टैक्स में। कैसे सर? इनकम टैक्स की जितने भी प्रोविजंस हैं वो कहां लिखी होती है? इनकम टैक्स एक्ट में। लेकिन इनकम टैक्स के जो जनरल रेट होते हैं वो सारे के सारे फाइनेंस एक्ट में लिखे होते हैं, वो इनकम टैक्स एक्ट में थोड़े लिखे होते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इनकम टैक्स के जो रेट्स हैं वो इनकम टैक्स में होते हैं। नहीं भाई, इनकम टैक्स के जो है प्रोविजंस वो इनकम टैक्स एक्ट में होते हैं, और जो रेट्स हैं वो कहां होते हैं इनकम टैक्स के रेट्स? सर वो फाइनेंस एक्ट में लिखे होते हैं, वो 0 से 2.5 लाख माफ होता है। सुना होगा ना आप लोगों ने, सबने सुना होगा ना 0 से 2.5 लाख माफ होता है। कोई बता देगा कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है 0 से 2.5 लाख माफ होता है? 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% होता है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% होता है, कौन से सेक्शन में? सेक्शन मिलेगा ही नहीं आपको, क्यों? इनकम टैक्स एक्ट में है ही नहीं, ये तो फाइनेंस एक्ट में। हां जी सर, इनकम टैक्स भी हमने ऐसे ही पढ़ा है, हमने फाइनेंस एक्ट 2018 पढ़ा है रेट के लिए, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ा है प्रोविजन के लिए, प्रोविजन के लिए पढ़ा है। याद आया कुछ? वो हमने प्रोविजन के लिए पढ़ा है। हाँ मैं मानता हूं थोड़े बहुत ऐसे भी रेट होते हैं जो इनकम टैक्स में भी लिखे होते हैं, बट वो तो स्पेशल केसेस होते हैं, जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का रेट 20% या 10%, जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A वाला 15%, या लॉटरी का रेट 30%। हाँ थोड़े बहुत रेट जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में भी लिखे होते हैं, बट जनरली रेट जो है वो फाइनेंस एक्ट में लिखे होते हैं। बिल्कुल पैरेलल लाइन पर यहां है, पैरेलल लाइन पर यहां है कि कस्टम की प्रोविजंस तो कस्टम एक्ट में लिखी है, लेकिन जो रेट लिखे हैं वो कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 में लिखे हैं। पर सर मजे की बात है क्या, ये कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 इज नॉट इन योर सिलेबस, ये आपके सिलेबस में नहीं है। क्यों सर? सर रीजन है, जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हो ना तो इनकम टैक्स में, बड़े ध्यान सुनना सर, जब आप इनकम टैक्स पढ़ते हो ना तो उसके रेट ना फाइनेंस एक्ट में लिखे हैं, और फाइनेंस एक्ट में जो रेट है ना वो असेसी वाइज लिखे हैं। असेसी वाइज मतलब इंडिविजुअल के इतने रेट, कंपनी के इतने, फर्म के इतने, एलएलपी के इतने, जो भी है
जो भी है वो असेसी वाइज रेट फाइनेंस एक्ट में लिखे होते हैं। सर ले दे के इनकम टैक्स में 7 असेसी होते हैं, अगर आपको पर्सन की डेफिनेशन याद हो, इनकम टैक्स में 7 असेसी होते हैं, तो 7 टाइप्स के आपको मैक्सिमम रेट याद करने पड़ेंगे, जो क्या बड़ी बात है, कोई भी याद कर सकता है। लेकिन सर क्या आप जानते हैं कस्टम एक्ट में जो रेट होते हैं वो गुड्स के रेट होते हैं, जो हम फॉरेन कंट्री से गुड्स इंपोर्ट करेंगे ना, वो हर गुड्स पे अलग रेट है। अगर आपने ब्रेड इंपोर्ट करी तो अलग रेट है, अगर आपने पेन इंपोर्ट किया तो अलग रेट है, अगर आपने लैपटॉप अलग इंपोर्ट किया तो अलग रेट है। हालांकि उन सबकी रेट कस्टम टैरिफ एक्ट में लिखे हुए हैं, बट क्या आप हिंदुस्तान में इतनी सारी गुड्स इंपोर्ट होती हैं सबके रेट याद कर लोगे? नामुमकिन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए आपको कस्टम टैरिफ एक्ट 1975 याद नहीं करना, क्वेश्चन में गिवन होगा कि इस पर ड्यूटी का रेट कितना है, ये बात क्वेश्चन में गिवन होगी कि इसके ऊपर ड्यूटी का रेट कितना है, आपको वो रेट सिर्फ अप्लाई करना होगा एंड नथिंग एल्स। प्लीज टेल मी अर्लियर एंड नाउ, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई होप इट इज क्लियर। तो पहले ये इंडियन टैरिफ एक्ट था 1934, लेकिन अब ये कस्टम टैरिफ एक्ट है 1975। मैं बोलूंगा आपको ना ये याद नहीं करना, ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बता दिया, ये आपको याद नहीं करना सर, इसे आप छोड़ सकते हो। अगर आपको याद करना है कुछ तो बस ये वाला याद कर लो, एक कस्टम एक्ट है 1962 और एक कस्टम टैरिफ एक्ट है 1975। प्लीज टेल मी दोनों चीजें क्लियर हुई या नहीं हुई, दोनों बातें क्लियर हुई या नहीं हुई? हो गई। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कस्टम एक्ट 1962। सर किसी भी एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, गवर्नमेंट कस्टम एक्ट क्यों बनाती है? सर आंसर आता है पैसे लेने के लिए, गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत होती है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, हमसे एक्ट बनाती है, हमसे पैसे लेती है, राइट? बिल्कुल सही बात है, कोई गलत बात भी नहीं है, पैसे लेने भी चाहिए। सर पहला ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट द रेवेन्यू, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है टू कलेक्ट द रेवेन्यू। पर एक बात बताऊं, कस्टम एक्ट में ना यह कहना गलत होगा कि गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कलेक्ट द रेवेन्यू। इस बार मतलब मैं मानता हूं इनकम टैक्स में गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कलेक्ट द रेवेन्यू, जीएसटी में गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है कलेक्ट द रेवेन्यू, लेकिन सर कस्टम एक्ट में मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि कस्टम एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव है कलेक्ट द रेवेन्यू। यहां पर जो सेकंड से लेकर फाइव ऑब्जेक्टिव है ना, प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये मेन ऑब्जेक्टिव है सर, और जिसे हम बोल रहे थे मेन ऑब्जेक्टिव, एक्चुअली में ये एक सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है। हाँ ठीक है, गवर्नमेंट को पैसे चाहिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू चाहिए, गवर्नमेंट पैसे तो लेगी लेगी, ड्यूटी तो लेगी लेगी, लेकिन यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है। कैसे? सर गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है इंपोर्ट एक्सपोर्ट को रेगुलेट करना, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री। अब सुनिए सर, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या मतलब है, आप समझना सर, प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है? सर देखो मैं आपको एक पेन की एग्जांपल से समझा दूंगा कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री का मतलब क्या है, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। प्लीज मेरी एग्जांपल को सिर्फ आप एग्जांपल समझना, इसे प्रैक्टिकल मत समझना, सिर्फ एग्जांपल समझना, सोचना मैं क्या बोल रहा हूं और मैं क्या कहना चाह रहा हूं और यहां पर हमारी गवर्नमेंट कैसे रिएक्ट करेगी, ये सिर्फ सोचना, आपको समझ में आएगा कस्टम लॉ कितना इंपॉर्टेंट है। सर देखिए आज इंडिया में, चलो एक बार के लिए बात कर लेते हैं, सेलो पेन चलता है, रिनोल्ड पेन चलता है ना, मार्केट में आप लोग पेन खरीदते हैं रजिस्टर पे काम करने के लिए, स्टूडेंट पेन खरीदते हैं, 10 रुपए का पेन आता है शायद, एक मेकल में एक पेन 10 रुपए का आता है, या वो 5 रुपए का भी आता है एक पेन। सर अमेरिका ने क्या सोचा कि इंडिया में ना पेन हम सेल करेंगे, हम लोग अपने पेन इंडिया में देंगे। अब अमेरिका ने ये बात सोच ली है कि पेन की जो मार्केट है वो इंडिया में क्रिएट की जाएगी, कोई बात नहीं, अमेरिका को ओपन इनविटेशन है, आए अपनी क्वालिटी दिखाए, पेन दिखाए और बेचे। सुनो सर, अमेरिका ने डिसाइड किया कि वो अपना एक पेन 2 रुपए का इंडिया में बेचेगा, 2 रुपीज का। अरे 2 रुपए का पेन बेचेगा इंडिया में, क्या इंडिया में 2 रुपए का पेन मिलता है? नहीं सर, इंडिया में मिनिमम 5 रुपीज का पेन मिलता है, 5 रुपए से कम इंडिया में पेन नहीं मिलता, वो भी ठीक ठीक क्वालिटी वाला, लेकिन 2 रुपए का, ये तो सोच के भी हैरानी हो रही है, सोच के भी हैरानी हो रही है। अमेरिका के जो सेलर हैं उन्होंने बोला सर हम 2 का कैसे दे देंगे, 2 का तो पॉसिबल ही नहीं है, 2 का पेन तो मतलब 2 का पेन कैसे हो जाएगा, अपने वो खुद का ही 4 रुपए का पड़ता है या 3 का पड़ता है। अमेरिका ने बोला पैसे की परवाह मत करो, हमारा नुकसान होता है होने दो, लेकिन इंडिया के अंदर हमें अपनी एक मार्केट क्रिएट करनी है, 2 रुपए का छोड़ो 1 रुपए का बेचो,
अगर कोई इंपोर्ट ड्यूटी इंडियन गवर्नमेंट लगाएगी भी थोड़ी बहुत, तो कोई बात नहीं, वो 1.5 रुपए का हो जाएगा, लेकिन वहां पर 1.5 या 2 रुपए में बिकना चाहिए। सोचो सर, अगर वाकई में ऐसा हो जाए तो इंडिया में अमेरिका की तरफ से बहुत सारे पेन आएंगे। अब कस्टमर क्या करेगा, कंज्यूमर क्या करेगा, वो तो यूजर है, उसे तो जो सस्ता मिलेगा वो लेगा, एक तो पेन अमेरिका का और दूसरा 1.5 रुपए का। आप जानते ना, इंडियंस आर क्रेजी फॉर फॉरेन गुड्स, इंडियन लोग तो वैसे भी इंपोर्टेड गुड्स के नाम पे खुश हो जाते हैं। तो भैया पेन मिल रहा है 1.5 रुपए का एक, जो कि बाजार में मिल रहा है 5 रुपए का, और उससे बढ़िया मिल रहा है 1.5 रुपए का, उससे अच्छा मिल रहा है 1.5 रुपए का, फॉरेन कंट्री का पेन। लो भाई, सभी लोगों ने इंडिया के अंदर वो 1.5 रुपए वाला पेन खरीदना शुरू कर दिया। हालांकि अमेरिका को लॉस हो रहा है, लेकिन अमेरिका उस लॉस को बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार है। कुछ नहीं होता, होने दो लॉस, हमारे पास लाखों करोड़ों अरबों रुपए हैं, हम लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। अब इंडिया के जो देसी मैन्युफैक्चरर थे, हमारे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थे, जो लोग पेन बनाते थे, उनका हौसला गिर गया, क्योंकि उनके पेन बिकने बंद हो गए। उन्होंने धीरे धीरे 6 महीने देखा, साल देखा, वो बेचारे लॉस बर्दाश्त नहीं कर पाए, उन्होंने वो फैक्ट्रियां बंद कर दी। अब इंडिया में पेन बनना बंद हो गया, पेन सिर्फ अमेरिका से आ रहा है 1.5 रुपए का एक और बिक रहा है। धीरे धीरे अमेरिका ने उसे 1.5 से 2 किया, 2 से 2.5 किया। अब कंपटीटर तो कोई आ नहीं रहा इंडिया के अंदर, क्योंकि फैक्ट्रियां बंद कर चुके हैं लोग, और धीरे धीरे अमेरिका ने उसे 10 रुपए तक कर दिया। अब वही पेन बिक रहा है 10 रुपए का, जो अमेरिका को 3 या 4 रुपए का पड़ रहा है, और इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री पूरी तबाह हो गई। तो गवर्नमेंट कहती है ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? तो लोगों ने कहा ये होना ही था, आपने फॉरेन कंट्री के गुड्स को अंदर आने दिया। इंडियन गवर्नमेंट कहती है हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि आप इंडिया में इंपोर्ट नहीं कर सकते फॉरेन कंट्री से, ये हमारे पावर थोड़ी है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम इंडिया में ये बोलते हैं कि फॉरेन कंट्री की गुड्स इंडिया में आने मत दो, तो भैया ये तो एक तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO का उल्लंघन हो गया। सभी कंट्रियों ने आपस में एक तरह का समझौता है कि एक दूसरे को सामान बेचेंगे। अगर हम बोलेंगे हम किसी से नहीं खरीदेंगे, हम सिर्फ बेचेंगे, तो हमसे कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। इंपोर्ट पर बैन थोड़ी लगा सकते हैं, लेकिन इंपोर्ट ड्यूटी तो लगा सकते हैं ना। और इंपोर्ट ड्यूटी के अंदर लॉ ने यह लिखा हुआ है कि अगर आपको लगता है कि यह आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हार्म कर रहा है, तो आप इंपोर्ट ड्यूटी के साथ साथ एक और ड्यूटी लगाओ, जिसका नाम होगा प्रोटेक्टिव ड्यूटी। अगर आपको लगता है वो बंदा अपने देश में कम का, ज्यादा का बेचता है, लेकिन सिर्फ आपकी कंट्री में कम का बेचता है, यानी कि वो अपना माल आपकी कंट्री में डंप की तरह यूज कर रहा है, डंप की तरह फेंक रहा है, तो आप एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाओ। बड़ी सारी ड्यूटियां हमें मिल गई लगाने के लिए, और गवर्नमेंट वो सभी ड्यूटियां लगाएगी तब तक जब तक कि वो पेन की कीमत हमारे वाले पेन की कीमत के आसपास ना हो जाए। कंपटीशन होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। कंपटीशन होना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए। गवर्नमेंट लगा सकती है प्रोटेक्टिव ड्यूटी, गवर्नमेंट लगा सकती है एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसलिए बेसिकली देखा जाए तो कस्टम एक्ट इज टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री। सर मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है, मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री होगा। दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग, गवर्नमेंट रोकेगी स्मगलिंग को। अगर सर कस्टम एक्ट ना हो तो कोई भी फॉरेन कंट्री का सामान इंडिया में ले आएगा, चोरी करके ले आएंगे, दूसरे रस्तों से ले आएंगे। तो गवर्नमेंट ने कस्टम एक्ट को पूरी तरह से बनाया, बताया भी ये वाले पोर्ट हैं, ये वाले रस्ते हैं जहां से फॉरेन कंट्री के सामान को अंदर लाया जा सकता है। अगर इन रस्तों के अलावा किसी और चोरी छुपे रस्ते से सामान को अंदर लाया गया, तो उसे स्मगलिंग मानी जाएगी और वो सामान जब्त कर लिया जाएगा, कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा। तो एक तरह से कस्टम एक्ट जो है वो प्रिवेंशन करता है स्मगलिंग की। कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, आप जानते हैं फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन रिजर्व। जिस कंट्री के पास फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रिजर्व जितने ज्यादा होते हैं, उस कंट्री की इकोनॉमी उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। जब भी इंपोर्ट एक लिमिट से ज्यादा बढ़ जाता है इंडिया के अंदर, यानी कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज इंडिया से बाहर जाने लग जाते हैं, तो फिर गवर्नमेंट किसी तरह के कस्टम के अंदर रूल्स बनाती है, कोई भी अलग एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाती है, और वो उसे रोकने की कोशिश करती है। कंजर्वेशन बचाती है उस रिजर्व को, या ऑगमेंटेशन बढ़ाती है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। तो ये एक तरह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी लिख सकते हो आप इसे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो कंजर्वेशन एंड ऑगमेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो सर मैंने वो बता दिया ऑब्जेक्टिव ऑफ कस्टम एक्ट क्या क्या है। तो सर जो कस्टम एक्ट के ऑब्जेक्टिव है वो रेवेन्यू कलेक्ट करना है,
हालांकि हमने इसे नंबर वन पे लिखा है, लेकिन सच्चाई में ये नंबर वन नहीं, नंबर लास्ट है। हाँ, मानते हैं गवर्नमेंट को पैसे मिलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी के नाम के, और काफी अच्छा खासा अमाउंट मिलता है, वो सब सही है, लेकिन सच में यहां पर गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव ना इंपोर्ट ड्यूटी से पैसा कमाना नहीं है, बल्कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ठीक तरीके से हो सके उसे रेगुलेट करना है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना है, स्मगलिंग रोकनी है, और कंजर्वेशन एंड एग्मेंटेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने चाहिए। ये मतलब हमारी मेन ऑब्जेक्टिव है। हां जी, आगे बात करते हैं कस्टम एक्ट 1962, कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। मैंने वो बताया था, पहले बता चुका हूं, मैं दोबारा बता दूं थोड़ा सा। सर, कस्टम एक्ट 1962 जो है ना, इसमें लिखा हुआ है प्रोविजंस, इसमें लिखे हुए रूल्स, इसमें लिखे हुए रेगुलेशंस। रूल भी इसके अंदर है, रेगुलेशन भी इसके अंदर है। सर, प्रोविजन का मतलब है ये इंपोर्ट है या नहीं है, ये सारी बातें प्रोविजंस में लिखी हुई है, इसे इंपोर्ट मानेंगे, इसे इंपोर्ट नहीं मानेंगे, ये मतलब जितने भी प्रोविजंस है कस्टम से रिलेटेड वो सारी कस्टम एक्ट में लिखी हुई है। रूल्स से मतलब होता है सर कि वैल्यू कितनी आएगी, उसके लिए अलग से रूल दिए होते हैं, वैल्यूएशन रूल पढ़ेंगे हम लोग, आप देखना वैल्यूएशन रूल आएंगे आगे, वो हमारे सिलेबस में भी है, वो हम पढ़ेंगे। एक बैगेज रूल होते हैं, बैगेज रूल क्या होते हैं बाद में बताऊंगा, लेकिन बैगेज के नाम के भी रूल्स होते हैं, ये सब रूल्स हम पढ़ेंगे। रेगुलेशन होता है डॉक्यूमेंटेशन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जब आप करते हो तो कौन सा फॉर्म लगेगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, तो ये सब रेगुलेशन है हम पढ़ेंगे आगे। आगे हम पढ़ेंगे कि रूल कौन बनाएगा, रेगुलेशन कौन बनाएगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब कस्टम एक्ट में लिखे हुए हैं, ये सब कस्टम। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कस्टम टैरिफ एक्ट की, मैंने आपको बताया था कस्टम टैरिफ एक्ट में रेट्स ऑफ टैक्स होता है, रेट्स ऑफ टैक्स हर गुड्स के लिए अलग रेट होता है, और वो कस्टम टैरिफ एक्ट में लिखा होता है। इसका नाम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CTA 1975, यानी कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। मैं बता दूं इसके अंदर दो स्केड्यूल होते हैं, एक स्केड्यूल फर्स्ट और एक स्केड्यूल सेकंड। फर्स्ट स्केड्यूल में भी रेट हैं, सेकंड स्केड्यूल में भी रेट्स हैं, लेकिन फर्स्ट स्केड्यूल में जो रेट है वो इंपोर्ट ड्यूटी के हैं, और सेकंड स्केड्यूल में जो रेट है वो एक्सपोर्ट ड्यूटी के हैं। मैं आपको ये स्लाइड पहले ही बता चुका हूं, लेकिन मैंने फिर से एक बार करवा दिया। कस्टम टैरिफ एक्ट पढ़ेंगे 1975, हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम देखेंगे इसके अंदर दो स्केड्यूल होते हैं, स्केड्यूल वन, स्केड्यूल टू। वन में रेट्स ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी है, एंड टू में रेट्स ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी है। नेक्स्ट, हां जी, अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ड्यूटी कब लगेगी, जब आप गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करेंगे, जब आप गुड्स को इंडिया में इंपोर्ट करेंगे तो ड्यूटी लगेगी। ड्यूटी देगा कौन, वो कौन होगा जिसके सिर पर ड्यूटी का सहरा बंधेगा, इसके सिर पर तो बाल नहीं है, सहरा कहां से बन जाएगा, खैर एनीवेज, वो कौन होगा जिसके सर पर सहरा बंधेगा, यानी कि इस एक्ट के अंदर असेसी कौन होगा, कौन होगा जो ड्यूटी पे करने के लिए लाइबल होगा। सर, जवाब है इंपोर्टर। हम फ्यूचर में पढ़ेंगे इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन है इंपोर्ट की हम पढ़ेंगे, इंपोर्टर की डेफिनेशन अलग से दी हुई है वो भी हम पढ़ेंगे। इंपोर्ट की डेफिनेशन तो शायद हम आज ही पढ़ लेंगे, लेकिन इंपोर्टर की डेफिनेशन हम आज नहीं, शायद नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे या उसके नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। एक होता है एक्सपोर्ट, क्योंकि आपको पता है कुछ गुड्स पर अभी भी एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है, तो उस केस में असेसी कौन होगा। सर, आंसर है असेसी होगा एक्सपोर्टर, यानी कि इंपोर्ट के केस में ड्यूटी कौन देगा, इंपोर्टर। एक्सपोर्ट के केस में कौन देगा, एक्सपोर्टर। तो सर, मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज इंपोर्टर, मैं डिफाइन करूंगा व्हाट इज एक्सपोर्टर। इंपोर्टर एक्सपोर्टर को अभी डिफाइन नहीं करूंगा, लेटर ऑन डिफाइन करूंगा। आगे चलते हैं सर इसके अंदर। हां जी, अगर आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो आपको सबसे ज्यादा जरूरी चीज चाहिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड, इसे IEC भी कहते हैं, आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए, यानी कि अगर आपको इंपोर्ट करना है तो लाइसेंस चाहिए, एक तरह से इंपोर्ट लाइसेंस नहीं बोलते हम लोग, इसी तरह से एक इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है वो चाहिए। सर, ये 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का, और ये इशूड बाय होता है डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड। तो डायरेक्टरेट जनरल फॉरेन ट्रेड यानी कि DGFT इशू करता है 10 डिजिट का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है। नो नीड ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड इन सर्टन केसेस, एग्जाम्पल बैगेज एटसेट्रा। किन किन केसेस में इस कोड या इस लाइसेंस की जरूरत नहीं होती। सर देखो, मैं आपको समझाऊं बैगेज क्या होता है, बैगेज के बारे में मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा,
लेकिन अभी थोड़ा बहुत मैं बताना चाहूंगा। सर मान लो आप फॉरेन कंट्री में घूमने गए, आप देखते हो कपल्स जितने भी होते हैं शादी के बाद सबसे पहले हनीमून के लिए बाहर जाते हैं, सिंगापुर चले गए, मलेशिया चले गए, कहीं भी चले गए, उनकी मर्जी भाई, घूमने इंडिया से बाहर जाते हैं, घूमने इंडिया से बाहर जाते हैं लोग। सर जब वो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं ना, तो फिर वहां से थोड़ा बहुत सामान ले आते हैं, जो एक वॉच खरीद ली या कोई इयररिंग खरीद लिए या कोई बैग खरीद लिया, छोटा मोटा सामान जो लोग खरीदते हैं। अब आपको क्या लगता है वो सामान खरीदने के लिए वो जो कपल है पहले इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करेगा? पहले वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड अप्लाई करेगा, यानी कि क्या वो इंपोर्टर बनने के लिए उसे पहले? तो लोगों ने बोला भी हम समझ गए ये चीज यहां पर एप्लीकेबल होना मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने बोला बैगेज, बैगेज का मतलब आप फॉरेन कंट्री में घूमने गए, थोड़ा बहुत सामान बैग में डाल के ले आए बैगेज आप एक इस तरीके से समझ लो थोड़ी देर के लिए, कि आप एज ए बैग में कुछ सामान ले आए जो थोड़ा बहुत आता है, कोई बैगेज का मतलब बैग ही नहीं, सिर्फ एलईडी टीवी ले आए या कोई सोनी का टेलीविजन ले आए, तो मतलब कुछ ऐसा सामान डेली यूज का, पर्सनल यूज का, तो आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत नहीं है। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेने के लिए आपके लिए पैन लेना मैंडेटरी है, पैन नंबर लेना मैंडेटरी है। और जब से जीएसटी आया है मैं आपको बता दूं, जो पैन नंबर है वही आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है। जब से जीएसटी आया है उसके बाद तो इन्होंने पैन नंबर को ही आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बना दिया है। हां जी, तो बताइए प्लीज ड्यूटी कब लगेगी? जब आप क्या करेंगे सर, इंपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्ट करेंगे? कौन देगा? इंपोर्टर एक्सपोर्टर देगा। क्या लेना पड़ता है इंपोर्टर एक्सपोर्टर को ड्यूटी देने के लिए? सर पहले उसे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड लेना पड़ता है जो 10 डिजिट का डीजीएफटी ने इशू किया होता है, और बैगेज वगैरह के पर्टिकुलर केसेस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की जरूरत नहीं होती है, और पैन नंबर मैंडेटरी है तभी आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड मिलता है। जब से जीएसटी आया है तब से पैन नंबर ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड बन चुका है। ओके, मीनिंग ऑफ इंपोर्ट, चलिए आइए हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ इंपोर्ट क्या है। सर इंपोर्ट क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 23 में लिखा हुआ है, और एक्सपोर्ट क्या है? सेक्शन 2 क्लोज 18 में लिखा हुआ है, राइट? इंपोर्ट है ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। मतलब ये मान लो इंडिया है, ये मान लो इंडिया है। इंडिया क्या है ये मैं पूरा डिफाइन करूंगा थोड़ी देर में, इंडिया क्या होता है पूरा बताऊंगा, लेकिन आपके लिए एक बार मान लो ये इंडिया है, मान लो ये इंडिया है, हालांकि बहुत गंदा सा बन गया इंडिया, मैं ठीक कर देता हूं, अच्छा अच्छा सुंदर बना देता हूं, थोड़ी ड्राइंग खराब है मेरी, तो जैसा लिखूं मान लेना भाई। चलो ये इंडिया है। अगर आप बाहर से, मतलब इंडिया के बाहर से इंडिया में कोई गुड्स लेके आते हैं, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया लेके आते हैं, ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फॉरेन कंट्री से इंडिया में लेके आना, दैट इज कॉल्ड इंपोर्ट। अब यहां पर दो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं, अगर आप समझ लोगे तो आपको मजा आ जाएगा। दो इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप समझ आओगे तो मजा आ जाएगा। सर मुझे गिफ्ट मिला है, मेरे चाचा जी हैं जो यूएस में रहते हैं, और ये एग्जांपल है क्योंकि मेरे कोई चाचा जी यूएस में नहीं रहते हैं। चलिए मान लीजिए मेरे चाचा जी हैं जो यूएस में रहते हैं, उन्होंने मुझे यूएस से कोई गिफ्ट भेजा है, कोई कंसिडरेशन नहीं है, नो कंसिडरेशन, मुझे गिफ्ट मिला है, नो कंसिडरेशन है, रिलेटिव से मिला है, क्या इसके ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? प्रश्न है, क्या इसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी? आंसर है हाँ। क्यों? सर हमने बोला ब्रिंगिंग इनटू इंडिया, हमने कब बोला ब्रिंगिंग इनटू इंडिया विद कंसिडरेशन? ऐसे तो कोई लैंग्वेज यूज ही नहीं की लोगों ने, तो ब्रिंगिंग इनटू इंडिया फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, अगर बाहर से कोई सामान लाया गया है इंडिया के अंदर तो उसके ऊपर आपको इंपोर्ट ड्यूटी लग सकती है, बाहर से लेके आना है। सर दूसरा पॉइंट है, क्या वो सामान जो इंडिया के बाहर से लाया गया है वो मैन्युफैक्चर्ड भी आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, या वो कहीं का भी मैन्युफैक्चर हो सकता है? इवन इंडियन मैन्युफैक्चर गुड्स हैं वो बाहर चली गई हैं, अब वो दोबारा बाहर से इंडिया में आ रही है, क्या तब भी इंपोर्ट ड्यूटी लग जाएगी? सर जवाब है बिल्कुल। अगर आप फॉरेन कंट्री से इंडिया में गुड्स लेके आ रहे हो, तो उनका फॉरेन कंट्री में मैन्युफैक्चर होना जरूरी नहीं है, हमने सिर्फ बोला है बाहर से, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया से ब्रिंगिंग इनटू इंडिया लेके आना, फ्रॉम अ प्लेस आउटसाइड इंडिया से ब्रिंगिंग इनटू इंडिया लेके आना,
इज कॉल्ड इंपोर्ट। तो दो बातें हैं यहां पर, गिफ्ट भी कवर्ड है, गिफ्ट के ऊपर भी इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी बिकॉज यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है। आपने सुना था सचिन तेंदुलकर को फरारी गिफ्ट मिली थी, शायद आपको नॉलेज में हो या नहीं हो, मेरे को आइडिया नहीं है। सचिन तेंदुलकर को फरारी गिफ्ट मिली थी और हालांकि गवर्नमेंट ने उसकी ड्यूटी माफ कर दी थी, तो आपने देखा था वो बड़ा ट्रोलिंग हुई थी उस बात की कि तेंदुलकर को ड्यूटी माफ कर दी, इसको पेट्रोल भी माफ कर दो, इसको फ्री में दे दो सब कुछ, ये वो, काफी ट्रोलिंग हुई थी उस टाइम तेंदुलकर की। हालांकि उस टाइम सोशल मीडिया का इतना जमाना नहीं था ट्रोलिंग वाला, लेकिन तब भी ट्रोलिंग होती थी। तो हाँ, वो गिफ्ट था उसके लिए, तब भी उसके ऊपर ड्यूटी बनती थी। गवर्नमेंट चाहे तो आगे हम पढ़ेंगे सेक्शन 25 आएगा जहां एग्जम्पशन लिखी हुई है कि गवर्नमेंट चाहे तो पब्लिक इंटरेस्ट में या स्पेशल केस में जनरल एग्जम्पशन या स्पेशल एग्जम्पशन स्पेशल ऑर्डर पास करके गुड्स पर ड्यूटी एग्जेम्प्ट कर सकती है। तो पहले ड्यूटी लगेगी, बाद में एग्जेम्प्ट हो सकती है, लेकिन एक बार तो यही बोला जाएगा कि ड्यूटी लगेगी। तो bring from a place outside India, bringing into India is called import. इसे import कहते हैं। Export की बात करें अगर, taking out of India to a place outside India, तो export भी उसी parallel line पर लिखा गया है, उसी parallel line पर export लिखा गया है कि India से बाहर लेके जाना, that is called export. Please tell me, import की definition clear or not clear? Export की definition clear or not clear? Okay. आगे पढ़िए रूट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। थोड़ा सा मैंने बताया था आपको रूट ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। सर दो रूट जो हैं ये न्यूली एडेड हैं, ये आप याद करें ना, दो एक्स्ट्रा हैं इसके अंदर। तो जर्नली तीन रूट आप देखेंगे, जर्नली किताबों में आप तीन रूट देखेंगे, लेकिन अब वो फाइव रूट्स हैं, ठीक है ना। हाँ जी, सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन जो इंपोर्ट है, यानी कि मैं बोलूंगी टोटल इंपोर्ट का अप्रोक्सीमेटली 75% जो इंपोर्ट है ना वो सी के थ्रू होता है। मैंने आपको लॉजिक दिया था कि ज्यादातर इंपोर्ट सी के थ्रू क्यों होता है। सी के थ्रू ज्यादातर इंपोर्ट इसलिए होता है बिकॉज वो सस्ता पड़ता है। सी का मतलब वैसल या शिप के थ्रू इंपोर्ट होता है। इसे चलाने वाला आदमी होता है मास्टर ऑफ शिप, यानी कि कैप्टन ऑफ शिप या मास्टर ऑफ शिप, और ये आएगा सामान लेकर कस्टम स्टेशन के ऊपर। प्लीज पहले इतना समझ लो, सबसे पहला तो इंपोर्ट किसके थ्रू होता है, सी के थ्रू होता है, समुद्र के थ्रू होता है। समुद्र में किसके थ्रू आता है सामान, जहाज के थ्रू आता है, नहीं, शिप के थ्रू आता है। समुद्र में जो सामान आता है वो शिप के थ्रू आता है। हाँ जी, अगर आप इंपोर्ट करते हैं एयर के रूट से, हवाई जहाज के रूट से, तो एयरक्राफ्ट के थ्रू आएगा सामान, यानी कि प्लेन के थ्रू आएगा, उसे चलाने वाले को पायलट कहते हैं। सर ये क्यों बता रहे हो कि कौन चलाता है? अरे भाई इनकी इंपोर्टेंस है, फॉर्मेलिटीज कौन पूरी करेगा इंपोर्ट की फॉर्मेलिटीज कौन पूरी करेगा, शिप मास्टर तो पूरा करेगा, तो वो सब जरूरी है। हाँ जी, तो पहले समुद्र के थ्रू आता है तो शिप में आता है, शिप कौन चलाता है, मास्टर, और आया कहां, कस्टम स्टेशन। इस कस्टम स्टेशन का मतलब क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। एयर के थ्रू आएगा तो एयरक्राफ्ट में आएगा, पायलट चलाएगा, और इसे बोलते हैं कस्टम एयरपोर्ट। लैंड रूट के थ्रू आएगा तो व्हीकल में आएगा, जनरली ट्रक वगैरह में आएगा, मतलब वहां से आ रहा होगा भाई। लैंड रूट से आएगा तो व्हीकल से आएगा, और व्हीकल से आएगा तो ड्राइवर चलाएगा, रेलगाड़ी में आएगा तो कंडक्टर भी हो सकता है, गार्ड भी हो सकता है। हालांकि यहां पे ड्राइवर नहीं बोला, रेलगाड़ी के अंदर कंडक्टर या गार्ड को बोला गया है, लेकिन अगर मैं लॉरी की बात करूं, यानी कि ट्रक बस की बात करूं, तो ड्राइवर, और ये आएगा लैंड कस्टम स्टेशन। सर ये कस्टम वर्ड क्यों लिखा है, ऐसा क्यों नहीं लिखा एयरपोर्ट पे आएगा, ऐसा क्यों नहीं लिखा पोर्ट पे आएगा, कस्टम स्टेशन की जगह कस्टम पोर्ट लिखो, कस्टम पोर्ट, ऐसा क्यों नहीं लिखा पोर्ट पे आएगा। पोर्ट समझते ना, समुद्र के किनारे पर जहां शिप सामान लेके आता है उसे पोर्ट कहते हैं, जहाज जहां उतरता है उसे एयरपोर्ट कहते हैं, लेकिन ये कस्टम क्यों लिख रहे हैं बताऊंगा। लैंड कस्टम स्टेशन के थ्रू आएगा, लैंड कस्टम स्टेशन। अगर सामान आप मंगाते हो बाय कोरियर, तो सर कोरियर भी आएगा तो इन्हीं तीन रूट से, लेकिन उसके लिए एक अलग जगह बनी हुई है, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल।
जहां सामान आएगा ना वो कस्टम पोर्ट नहीं होगा, कस्टम एयरपोर्ट नहीं होगा, कस्टम स्टेशन नहीं होगा, उसका नाम इन्होंने लिखा है इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल। एक होता है पोस्ट, लोग पोस्ट से मंगाते हैं, तो फॉरेन पोस्ट ऑफिस, हालांकि फॉरेन पोस्ट ऑफिस इंडिया में बहुत सारे नहीं है, दिल्ली में है एक फॉरेन पोस्ट ऑफिस, तो बाय पोस्ट भी आ सकता है। तो मतलब अब आप सामान बाय सी आ सकता है, बाय एयर आ सकता है, बाय लैंड रूट आ सकता है, बाय कोरियर आ सकता है, बाय पोस्ट आ सकता है। तो सी में वेसल शिप, एयर में एयरक्राफ्ट, लैंड में व्हीकल, उन दोनों में नहीं आएगा कुछ भी बिकॉज वो इन्हीं के थ्रू आ रहा होगा। फिर सी में मास्टर, एयर में पायलट, और उसमें ड्राइवर कंडक्टर या गार्ड होता है, राइट। कस्टम पोर्ट पे आएगा या कस्टम एयरपोर्ट पे आएगा या लैंड कस्टम स्टेशन पे आएगा, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल पे आएगा, फॉरेन पोस्ट ऑफिस पे आएगा। मीनिंग ऑफ, कुछ डेफिनेशन है सर करवा रहा हूं आपको अभी क्लियर हो जाए। कन्वेयंस क्या होता है सर? कन्वेयंस होता है जिसके थ्रू माल आता है, जिसके थ्रू सामान आएगा। तो सर ये तो आपको आ ही गया। सर ये जो तीन है ना सर, एक मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, मैं आपको हाईलाइट कर देता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। सर ये जो तीनों है ना, ये तीनों वेसल, शिप, एयरक्राफ्ट, व्हीकल, सर ये तीनों कन्वेयंस है, ये तीनों कन्वेयंस है। देखो सर आपने डेफिनेशन कर ली कन्वेयंस की, आपने डेफिनेशन कर ली कन्वेयंस की। कन्वेयंस क्या होता है? जिसके थ्रू माल आता है, वेसल, शिप, एयरक्राफ्ट, व्हीकल। कस्टम स्टेशन क्या है? कस्टम स्टेशन का मतलब जहां माल उतारा जाएगा, जहां से माल क्लियर करवाया जाएगा, जहां से सामान क्लियर करवाया जाएगा, जहां ड्यूटी देनी होगी उसे हम कस्टम स्टेशन कह सकते हैं। सर देखो ये लिखा कस्टम स्टेशन का मतलब, मैं आपको दिखा दूं, कस्टम स्टेशन का मतलब कस्टम पोर्ट हो गया सर, कस्टम पोर्ट, कस्टम एयरपोर्ट हो गया सर, या लैंड कस्टम स्टेशन हो गया सर, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल हो गया, फॉरेन पोस्ट ऑफिस हो गया। तो ये लिखा हुआ सर कस्टम स्टेशन, कस्टम पोर्ट हो गया, कस्टम एयरपोर्ट हो गया, कस्टम लैंड कस्टम स्टेशन हो गया, इंटरनेशनल कोरियर, फॉरेन पोस्ट। पर्सन इन चार्ज, वेरी इंपॉर्टेंट, एक और डेफिनेशन हम पढ़ रहे हैं, पर्सन इन चार्ज। ये सब डेफिनेशन है, आपको पढ़ा दूंगा बाद में, सेक्शन 2 क्लोज 31 में लिखा हुआ है पर्सन इन चार्ज क्या होता है। सर पर्सन इन चार्ज भी यहां लिखा हुआ है, ये देखो जो बंदा इंचार्ज है उस कन्वेयंस का, यानी कि शिप का इंचार्ज कौन है? मास्टर। एयर का कौन है? पायलट। लैंड का कौन है? ड्राइवर, बस का ड्राइवर, गाड़ी का कंडक्टर, रेलगाड़ी का, या गार्ड। तो यही नाम लिखे हैं, मास्टर ऑफ द वेसल, पायलट ऑफ एयरक्राफ्ट, ड्राइवर, कंडक्टर और गार्ड। देखो सर कौन कौन से लैंड रूट से इंपोर्ट हो सकता है, सॉरी कौन कौन से रूट से इंपोर्ट हो सकता है, हमने पांच बताए हैं। सी से इंपोर्ट हो सकता है, एयर से इंपोर्ट हो सकता है, और क्या बोलते हैं उसको, लैंड रूट से इंपोर्ट हो सकता है। तीन पहले पढ़ते हैं, फिर वो इंटरनेशनल वाला आ जाएगा और बाय पोस्ट वाला आ जाएगा, वो तो अलग है। कन्वेयंस कौन कौन से यूज होंगे? सर बाय सी होगा तो शिप या वेसल यूज होगा, अगर बाय एयर होगा तो एयरक्राफ्ट यूज होगा यानी कि एरोप्लेन, और अगर बाय लैंड है तो फिर वो लॉरी या ट्रेन यूज होगी। बिल्कुल सही बात है, लॉरी मतलब व्हीकल, लॉरी का मतलब व्हीकल। कहां आएगा सामान? कहां आएगा सर? कस्टम स्टेशन पे आएगा, कस्टम पोर्ट पे आएगा, कस्टम लैंड कस्टम स्टेशन पे आएगा। कौन लेके आएगा सर? मास्टर लेके आएगा, या पायलट लेके आएगा, या ड्राइवर या गार्ड लेके आएगा। बिल्कुल सही है सर। अब समझिए सर, वो जो बात कर रहे थे ना हम, सर ये देखो ये समझा रहा हूं आपको मैं, ये जो बात कर रहे थे ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज समझा रहा हूं सर, ध्यान देना। कस्टम पोर्ट क्या होता है? पोर्ट क्यों नहीं बोल रहे? कस्टम पोर्ट क्यों बोल रहे हैं? एयरपोर्ट क्यों नहीं बोल रहे? कस्टम एयरपोर्ट क्यों बोल रहे हैं? लैंड कस्टम स्टेशन क्यों बोल रहे हैं? लैंड स्टेशन क्यों नहीं बोल रहे? सर इसके बारे में मैं बता रहा हूं, अब बड़े ध्यान देखना सर, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, आपको पूरी क्लियर हो जाएगी। सर देखो, नोटिफाइड पोर्ट, नॉन नोटिफाइड पोर्ट। सर देखो ये इंडिया है, और ये अगर मैं थोड़ा सा यहां पे, ये सारा जो है ना सर, ये पानी वाला एरिया है, ये सारा पानी वाला एरिया मान लेते हैं हम सब, ये पानी वाला एरिया मान लेते हैं सर, ये समुंदर है और ये सारा पानी वाला एरिया है, ठीक है, ये पानी पानी पानी, और आप देख रहे हैं पानी ब्लू है, ये पानी ब्लू आपको पता है ये क्यों है? क्योंकि हनी सिंह बहुत टाइम पहले क्या कहते, आज ब्लू है पानी पानी। तो ये पानी वाला एरिया, सर देखो पानी वाला एरिया, ये जमीन वाला एरिया जो, ये दिस इज कॉल्ड बेस लाइन, ये जो लाइन है ना सर, ये लाइन, दिस इज कॉल्ड बेस लाइन, दिस लाइन इज कॉल्ड बेस लाइन।
सर यहां समुद्र जो जमीनी एरिया है हमारा, जमीन का एरिया वो खत्म हो रहा है, तो ये पूरे एरिया में पोर्ट बने हुए हैं सर, पोर्ट बने हुए हैं, एक मुंबई कस्टम पोर्ट बना हुआ है, एक कोई ये कोई और पोर्ट बना हुआ है, ये कोई और पोर्ट बना हुआ है, बहुत सारे पोर्ट हो सकते हैं, गुजरात पोर्ट बना हो सकता है या कोई कांडला पोर्ट बना, मतलब पोर्ट के नाम नहीं बोल रहा, पोर्ट मतलब एक ऐसी जगह जहां सामान शिप को लगाया जाएगा, सामान उतारा जाएगा। सर आप बताइए पोर्ट के ऊपर कस्टम ऑफिसर होंगे या नहीं होंगे, क्या लगता है आपको? मतलब जब इंडिया के अंदर घुस जाओगे, सामान ले आओगे, कोई ऑफिसर मिलेगा या नहीं मिलेगा आपको? क्या लगता है सर आपको, पोर्ट के ऊपर कस्टम ऑफिसर होंगे या नहीं होंगे? सर जवाब है बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे, वो ड्यूटी लेने के लिए तैयार खड़े हैं। प्रश्न ये है कि हर कस्टम पोर्ट पर, हर पोर्ट पर ऑफिसर होंगे या कुछ पोर्ट पर? हाँ सर, कुछ पोर्ट पे होंगे, हर पोर्ट पर ऑफिसर नहीं होंगे। और जिन पोर्ट पर ऑफिसर होंगे ना सर, उन्हें बोला गया है कस्टम पोर्ट। जिन एयरपोर्ट पर, जैसे कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे होते हैं, उन्हें बोला गया है कस्टम एयरपोर्ट। सर ये कौन कौन से पोर्ट पर ऑफिसर होंगे ये नोटिफाइड करेगा सीबीआईसी। सीबीआईसी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। सर पहले इसका नाम सीबीईसी था, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, अब एक्साइज तो इन्होंने हटा दिया तो इसका नाम बदल के रख दिया सीबीआईसी, यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स। हालांकि मुझे नाम अभी भी गलत लगता है, क्योंकि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस बोलते हैं तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में तो कस्टम वैसे भी आ जाएगा, लेकिन फिर भी हम जो नाम इन्होंने रखा है उस नाम की कदर कर लेते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी नोटिफाइड करेगा, यानी कि बोर्ड। मैं एक बात हूं सर, सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड, सर बोर्ड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो डायरेक्ट टैक्स में जो बोर्ड होता है ना, वो होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और यहां पर कौन सा होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो सर मान लीजिए मुंबई कस्टम पोर्ट को सेंट्रल बोर्ड ने नोटिफाई किया है, और मान लीजिए एक ये पोर्ट नंबर वन मान लो आप, और ये पोर्ट नंबर टू मान लो, ये पोर्ट नंबर थ्री मान लो, ये फोर मान लो, पोर्ट नंबर थ्री को भी नोटिफाई किया है सीबीआईसी ने, लेकिन पोर्ट नंबर टू और फोर को नोटिफाई नहीं किया है, तो जो आप सामान सी रूट से लेके आओगे ना, वो आपको पोर्ट नंबर वन या पोर्ट नंबर थ्री पर ही लाना है। जो सामान है वो, जो इंपोर्टेड गुड्स है वो कस्टम पोर्ट पर ही आनी चाहिए, वो कस्टम पोर्ट पर ही आनी चाहिए, किसी और पोर्ट पे नहीं आनी चाहिए। सर अगर वो नॉन नोटिफाइड पोर्ट पे आ गई तो, अगर वो मतलब सेकंड नंबर पोर्ट पे आ गई तो, या अगर वो फोर नंबर पोर्ट पे आ गई तो सर उनकी गुड्स को कॉन्फिस्केट कर लिया जाएगा, वो सामान जब्त कर लिया जाएगा, उसे स्मगलिंग माना जाएगा। दोज पोर्ट विच आर नोटिफाइड बाय सीबीआईसी आर नोन एज कस्टम पोर्ट। Any goods entered on non-notified port will be treated as smuggling and goods liable to be confiscated. ऐसी goods को छीन लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। सर बड़े सारे लोगों को लगता है कि smuggling का मतलब होता है चरस गांजा ऐसा सामान लेके आना, नहीं सर, smuggling का मतलब होता है goods को इंडिया में enter करना without payment of duty, बिना duty दिए जो आप goods को इंडिया में enter करते हो, that is known as स्मगलिंग। तो लोग कहते हैं कि अगर आप गुड्स को इंडिया में एंटर करवाओगे तो इसे स्मगलिंग माना जाएगा, अगर आपने इसे नॉन नोटिफाइड पोर्ट के थ्रू करवाया तो, अगर आप इसे नोटिफाइड पोर्ट से करवाओगे तो ये बिल्कुल तरीके से एंटर माना जाएगा, और आपको कस्टम ड्यूटी देने के बाद गुड्स को इंपोर्टर जो है वो क्लियर करवा सकता है। प्लीज टेल मी यहां तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, प्लीज टेल मी, प्लीज 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 टेल मी द फर्स्ट क्लास इज क्लियर और नॉट क्लियर। पहली क्लास आपको क्लियर हुई नहीं हुई, मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं फटाफट, काफी सारा कर लिया हमने। कस्टम एक्ट पढ़ना शुरू किया हमने आज, कस्टम लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ का मतलब इसमें एक्ट भी पढ़ेंगे, रूल्स भी पढ़ेंगे, रेगुलेशंस भी पढ़ेंगे, और सर्कुलर नोटिफिकेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट्स सब पढ़ेंगे। कस्टम एक्ट एक इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है, कस्टम ड्यूटी नाम फेमस है, यहां पर कस्टम टैक्स नहीं बोलते, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी क्या एक ट्रेंड है या इट इज समथिंग रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो समथिंग रिलेटेड टू इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, पर ये एक ट्रेंड की तरह लिया जा रहा है, किसी जमाने से लिया जा रहा है, वो कब से लिया जा रहा है, इमेमोरेबल है, इमेमोरेबल है, पता नहीं कर सकते। एंट्री नंबर 83 पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ड्यूटी लगाने की, पार्लियामेंट लॉ बनाएगा और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है एंट्री नंबर 83 के थ्रू इसके ऊपर ड्यूटी लगाने की। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, मैं आपको बता चुका हूं, ओबीटी डीबीटी में डीबीटी लगेगा इसके अंदर,
और अर्लियर इसके नाम कुछ थे, हमें क्या मतलब, कस्टम एक्ट आज के दिन नाम है 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975। रेट जो है वो टैरिफ एक्ट में लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव रेवेन्यू कलेक्ट करना है, बट मेन तो प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, स्मगलिंग को रोकना है, कंजर्वेशन एंड ऑगुमेंटेशन है। कस्टम एक्ट में प्रोविजन लिखी है, टैरिफ में रेट लिखे हुए हैं। इंपोर्ट होगा तो इंपोर्टर को इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, एक्सपोर्ट होगा तो एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी, उसके लिए उसे आईईसी कोड चाहिए, जो बैगेज वगैरह के लिए नहीं चाहिए, पैन मैंडेटरी होता है ये लेने के लिए। इंपोर्ट का मतलब बाहर से इंडिया में लेके आना, इंडिया से बाहर लेके आना एक्सपोर्ट होता है। रूट मतलब सी होता है, एयर होता है, लैंड रूट होता है। बाय कोरियर बाय पोस्ट, कोरियर के लिए इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल है और पोस्ट के लिए फॉरेन पोस्ट ऑफिस इंडिया में बने हुए हैं। सी के थ्रू आएंगे, कन्वेयंस कौन कौन से यूज होंगे, सी के थ्रू शिप होगा, वेसल होगा, और एयर के थ्रू जो है एयरक्राफ्ट होगा, और लैंड रूट में व्हीकल या ट्रेन होगा। कस्टम स्टेशन में कस्टम स्टेशन पर सामान जो जहां सामान आएगा वो कस्टम पोर्ट होना चाहिए, नॉर्मल पोर्ट नहीं होना चाहिए, कस्टम एयरपोर्ट होना चाहिए, नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं होना चाहिए, लैंड कस्टम स्टेशन होना चाहिए, नॉर्मल कस्टम लैंड स्टेशन नहीं होना चाहिए, इंटरनेशनल कोरियर टर्मिनल होना चाहिए, फॉरन पोस्ट ऑफिस होना चाहिए। पर्सन इंचार्ज कौन लेके आएगा, मास्टर ऑफ द वेसल लेके आएगा शिप के केस में, पायलट ऑफ एयरक्राफ्ट लेके आएगा एयरक्राफ्ट के केस में, और ड्राइवर लेके आएगा या कंडक्टर लेके आएगा लॉरी या रेल के केस में। नोटिफाइड पोर्ट वो होते हैं जो सीबीआईसी ने नोटिफाई किए होते हैं, इन पोर्ट पर सामान आएगा तो वो वैलिड तरीके से है, अदरवाइज ये स्मगलिंग माना जाएगा। आई होप आज की क्लास आप लोगों को क्लियर है। चलिए सर इसको पढ़िए, कल फिर एक क्लास मिलेगी आपको पढ़ने के लिए। टिल देन बाय बाय।